दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी अर्निंग जो कि मेरी हुई है 3 दिन में YouTube मोनेटाइजेशन से। दोस्तों मेरा मोनेटाइजेशन 21 जून को इनेबल हुआ था और मैं आपको अपनी 23 जून तक की अर्निंग दिखाऊंगा। आज 24 जून है लेकिन अभी तो सुबह है, तो आज तो मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग ही हुई होगी, ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई होगी। तो मैं कल तक की आपको अर्निंग दिखाऊंगा 21 जून से लेकर 23 जून तक की, यानी कि 3 दिन की अर्निंग मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि मेरी कितनी अर्निंग हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं शॉक हो चुका हूँ अपनी अर्निंग से, मुझे पता नहीं था कि इतनी अर्निंग यहाँ पर मेरी हो जाएगी, लेकिन चलिए बस हो गई तो अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा भाषण देना चाहता हूँ, तो आप इस भाषण को थोड़ा सा सुन लीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी अर्निंग इतनी हुई है तो आपकी भी अर्निंग उतनी ही हो, और मुझे अगर 5,000 व्यूज़ पर $1 मिल रहा है तो आपको भी 5,000 व्यूज़ पर ही $1 मिलेगा। दोस्तों हो सकता है कि आपको 2,000 या 2,500 या 1,000 व्यूज़ का ही $1 मिल जाए, और ये भी हो सकता है आपको कि आपको 8 या 10,000 व्यूज़ का $1 मिले। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है चैनल की कैटेगरी के ऊपर और आपके वीडियो के टाइटल और टैग्स के ऊपर। दोस्तों अगर आपके चैनल की कैटेगरी है टैग, तो उस पर आपके जो है ज़्यादा एड्स वहाँ पर आएंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा एड्स आते हैं टैग चैनल्स पर और सबसे कम एड्स आते हैं फनी चैनल्स पर, यानी कि प्रैंक चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों की अर्निंग जो है चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों की अर्निंग जो है सेम होगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी अर्निंग मेरी अर्निंग से ज़्यादा हो जाए और हो सकता है कि आपकी अर्निंग मेरी अर्निंग से कम हो। तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाल कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ अपने एडसेंस अकाउंट में, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी अर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड अर्निंग में तो सब जगह 0-0 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब YouTube की अर्निंग शो नहीं होती है, यहाँ पर अब एडमोब और वेबसाइट की अर्निंग ही सिर्फ शो होती है। तो चलिए यहाँ पर हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाकर देखते हैं कि हमारी 3 दिन की अर्निंग कितनी हुई है। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट्स पर, और प्रोडक्ट के बाद होस्टेड एडसेंस फॉर कंटेंट पर क्लिक करके हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लास्ट 7 डेज की अर्निंग, यानी कि 3 दिन की अर्निंग। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डेज वाइज अर्निंग भी दिखा देता हूँ कि मेरी 21, 22 और 23 को कितनी अर्निंग हुई है, फिर मैं आपको यहाँ पर टोटल भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब हम क्लिक करते हैं कस्टम डेट पर। तो पहले हम देखते हैं कि 21 तारीख को मेरी अर्निंग कितनी हुई थी, और 21 तारीख को 11 बजे लगभग मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ था। तो यहाँ पर हम 21 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 तारीख को यानी पहले दिन मेरी अर्निंग हुई थी $1.81। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं 1.81 प्लस। अब हम देखते हैं 22 तारीख की अर्निंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अगले दिन की यानी कि 22 तारीख की मेरी अर्निंग है $2.13। तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम कैलकुलेटर में ऐड कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कल की अर्निंग। तो यहाँ पर हम किस पर क्लिक करेंगे और यस्टरडे 23 जून कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल की मेरी अर्निंग है $3.10। तो चलिए यहाँ पर इसको भी ऐड हम कर देते हैं $3.10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी टोटल 3 दिन की अर्निंग लिख के आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरी 3 दिन की अर्निंग टोटल, और यह है $7.04, यानी कि $60 मैंने 3 दिन में कमाए हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन से। तो दोस्तों बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है 3 दिन में यूट्यूब से। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।